नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा, कटर मशीन है और इसके गियर में प्रॉब्लम है, तो इसी गियर बॉक्स को खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी वीडियो पर और ये है हमारे पास कटर मशीन, जो कि इसको कटर ग्राइंडर भी बोलते हैं। तो इसको हम खोलेंगे और देखेंगे इसके गियर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कभी कभी छोड़ दे रहा है, तो इसी को ठीक करेंगे। तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो हमें ये चार नट खोलना है, तो इसको यहीं से खोलना होता है। तो ये चार नट पहले हम इसको खोल लेते हैं, तो फिर हम दिखाते हैं कि इसके गियर बॉक्स में क्या क्या है और ये परेशानी अगर है तो क्या दिक्कत है। तो ये हमेशा नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, ऐसा है कि ये कभी काल छोड़ रहा है, कभी कभी छोड़ दे रहा है और फिर पकड़ ले रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो इसके अंदर कुछ फंसा होगा, या तो अगर इसका दांता अगर टूटता है गियर का तो हमेशा छोड़ेगा, वो फिर पकड़ेगा नहीं, लेकिन ये फिर पकड़ ले रहा है। तो या तो बेयरिंग में दिक्कत होगा और या तो कुछ फंसा होगा इसके अंदर। तो देख सकते हैं ये गियर है, एक गियर जो ये हमारा घूमता है। तो ये तो खैर ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसा है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन नीचे एक गियर है छोटा सा, जो कि हमारा आर्मेचर का है, जो आर्मेचर में हमारा लगा हुआ है। और ये नीचे एक बेयरिंग है, तो बेयरिंग में भी कुछ वैसे दिख नहीं रहा है। तो वैसे हम इसकी सफाई कर देते हैं, देख लेते हैं। ग्रीस डाला हुआ है, ठीक ठाक है। और ये गियर है जो कि हमारा आर्मेचर से लगा हुआ है। तो थोड़ा और इसको खोल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है, अगर कुछ दिखाई देता है तो उसको ठीक करते हैं, अगर नहीं तो कुछ फंसा होगा। वैसे हम इसकी सफाई कर दिए, अगल बगल का निकाल दिया है। तो देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत होगा तो। अगर गियर कटेगा तो समझ लीजिए कोई हमेशा छोड़ेगा, अगर छोड़ दिया तो छोड़ ही देगा, फिर वो पकड़ेगा नहीं। लेकिन ये कभी काल छोड़ रहा है, ठीक चल रहा है लेकिन कभी काल छोड़ दे रहा है। तो इसका मतलब या तो कुछ फंसा है या फिर बेयरिंग में दिक्कत है। तो इसको अब निकालने के लिए, इसके ये बॉडी का, ये बॉडी से टाइट रहता है ये नट, और इसमें भी चार नट लगे हुए हैं। तो इसको भी चार नट हम खोलेंगे और खोल करके इसको भी हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये इस तरह से एक नट और लगा हुआ है, भूल गए थे हम, इसको खींच रहे थे। तो एक नट और लगा हुआ है, तो इसको भी खोल लेते हैं और अब इसको निकाल के देख लेते हैं। तो ये पूरा अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि आर्मेचर में लगा हुआ है कार्बन, तो पूरा निकलेगा नहीं। पूरा निकालने के लिए हमें आर्मेचर का कार्बन निकालना पड़ेगा, पीछे से खोलना पड़ेगा। तो हमें गियर देखना है, तो गियर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये नट है, अगर गियर कटा रहता तो हम इसको चेंज करते हैं। तो हालांकि गियर भी नहीं कटा है, तो गियर भी ठीक ठाक है। तो इसके अंदर कुछ फंसा ही होगा, तो इसकी सफाई हम कर दिए हैं। और सफाई करने के बाद में हम अब इसको टाइट कर देते हैं। तो अगर इसको चेंज करना है ये वाला गियर, तो ऊपर में एक नट लगा हुआ है, नट को खोलना होता है। तो कभी वैसी प्रॉब्लम आएगी किसी मशीन वशीन में, किसी मशीन में, तो हम उसका वीडियो बनाएंगे और उसको चेंज करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ फंसा होगा और ये अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि गियर भी ठीक ठाक है और बेयरिंग भी ठीक।
ठीक है, बेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, बेयरिंग भी लूज नहीं है। तो इसको टाइट कर देते हैं, जैसे खोले थे वैसे इसको टाइट कर देंगे। चलिए, तो इसका सबसे पहले तो बॉडी नट लगाना होगा, ये बॉडी के साथ में टाइट है। तो दोस्तों इसका हम फुल ट्यूटोरियल बनाएंगे, और इसका आर्मेचर कैसे बांधना है, और सॉरी आर्मेचर बोल रहे हैं, इसका फील्ड कॉइल, इसका फील्ड कॉइल कैसे निकालेंगे, कैसे वाइंड करेंगे, कार्बन कहाँ से चेंज करेंगे, तो सारा कुछ का जानकारी हम आपको देंगे हम अपने चैनल पे। तो आपको कैसी जानकारी चाहिए तो इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो वैसे तो जैसे वर्क हमारे पास आता रहता है तो वैसा वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको जो जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिएगा, कमेंट आएगा तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इसी तरह से इसको देखिए टाइट कर लेना है जिस तरह से खोले थे, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें वही दिक्कत था, कुछ फंसा होगा इसके गियर में, तो इसके अगल बगल से हम हटा दिए हैं कचरा और उसकी सफाई कर दिए हैं। तो अब इसको हम टाइट करके और इसे हम चेक कर लेते हैं, इसका ब्लेड वगैरह कस करके देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए टाइट कर देना है। तो ये तीन नट हमारे लग गए और एक नट और बचा हुआ है, तो इसको भी हम लगा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो देखिए इसमें घाट बना हुआ है और इसको घाट के साथ लगाना होता है, ताकि घाट हमारा फंसा रहे। ये देख सकते हैं ये वाला घाट है, इसके अंदर बैठेगा। और इसके बाद में इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्लेड, जो भी हमें लगाना है, जिस ब्लेड को हमें यूज करना है वो ब्लेड लगाएंगे, और ब्लेड लगाने के बाद में हम इसे टाइट कर देंगे। तो हमें ये वाली ब्लेड लगानी है, लोहे घिसने वाली। तो इससे लकड़ी भी घिस सकते हैं, मतलब कई काम ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसी इच्छा, जिस काम में आप यूज करें इस ब्लेड को। और पीछे एक बटन है काला सा, देखिए इसको दबाएं तो ये लॉक बटन है, और इसके बाद में इसे चाबी से इस तरह से टाइट कर देना है। और चलिए अब सप्लाई दे करके इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक ठाक है या नहीं। तो कभी कल गियर छोड़ दे रहा था, मशीन चल रही थी लेकिन हमारा ये घूम नहीं रहा था ब्लेड। तो देखिए बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।